हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण, तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ है। अगर कोई व्यापार व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी चौदस के दिन, किसी भी चौदस के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है। महाराज, जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे तलाक चाहिए तो मत करना, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान का।